आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद जाहिर करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल, वी डी शर्मा, ये वो बड़े नाम थे, वो बड़े नाम थे जो इस रेस में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब मोहन यादव पर मुहर लग चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, इन दिग्गजों के बीच में डॉक्टर मोहन यादव के नाम का सामने आना, हम चाहेंगे कि आज पूरा देश ये समझे आपसे कि आखिर इसी नाम के जरिए वो सरप्राइज क्यों सामने आया। क्या ये एक ऐसा सरप्राइज है जो सबको अब सोचने पर मजबूर करेगा या सबकी सोच जो है वो साफ करेगा? देखिए, बहुत सोच समझकर फैसला लिया जाता है बीजेपी में, और प्रधानमंत्री खुद ही सरप्राइज देने, सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है प्रधानमंत्री के फैसलों में काफ़ी होता है। तो किसी भी राज्य में आपने देखा होगा, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, जो चुनाव जीत कर आया हो, कोई भी गेस नहीं कर रहा था। जिसका नाम चलता है वो नाम हमेशा पीछे चला जाता है, हाशिए पे चला जाता है। तो मुझे लगता है एक सोच समझ कर लिया हुआ फैसला, और मैंने पहले भी कहा, एक जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, उन इलाकों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है जो पिछड़ गए थे। यहाँ बीजेपी ने इस बार पिछली उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया हो। रीवा इलाके से अगर राजेंद्र शुक्ला जीत कर आते हैं, अगर 2003 से लगातार MLA हैं, उस इलाके को प्रतिनिधित्व मिला है। रीवा से कहते हैं कि एक मंत्री तक नहीं था अभी तक किसी कैबिनेट में शिवराज सिंह की सरकार में पिछले 20 साल से। रीवा से पहली बार अगर बन रहा है तो डिप्टी CM ही बन रहा है, वहाँ से स्पीकर थे, लेकिन रीवा से कभी मंत्री नहीं बन पाया। ये ब्राह्मण डोमिनेटेड पूरा इलाका है, यूपी की सीमा से लगा हुआ बुंदेलखंड इलाका है, जो कि जहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर मंदसौर के इलाके से अगर देवड़ा साहब को डिप्टी CM बनाया जा रहा है तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। मोहन यादव खुद एक OBC कास्ट से आते हैं, तो और लंबा अनुभव भी है, 2013 से लेकर अब तक का विधायकी का अनुभव भी है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो आने वाले दिनों के लिए अपनी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं, और मोहन यादव की सबसे बड़ी खास बात है, जो उनका मैं बायोडाटा देख रहा था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो ये एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, एक अगर उनके ट्विटर फॉलोअर भी देखे जाए तो उनकी संख्या भी लाखों में है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी पर अगर उन्होंने दांव लगाया है तो सोच समझ कर लगाया होगा जीतने के बाद, इसीलिए 3-4 दिनों की देरी भरे ही हुई हो, लेकिन इसका असर जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर ज़रूर होगा, और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं उस पर इसका ज़रूर फायदा होगा। उन राज्यों को अब कैबिनेट जो बनेगी उसमें उन तमाम जिलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, खासकर मालवा इलाके से, मालवा निमाड़, जहाँ बीजेपी ने अद्भुत, और मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहती हूँ। एक बदलाव की बात की जा रही थी, बदलाव हुआ, एक नया नेतृत्व दिया गया, बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी। राहुल भाई यार, वो एक एयरफोन नाम क्या बताइए, जैसे आप नाम बताइए, आपका नाम बताइए। पूनम चंद जी यादव जी पूनम, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? दादा बाबूजी, आपको आप पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं? दादा बधाई हो आपको, बधाई। क्या बाबूजी? दादा वो क्या बोल रहे हैं? दादा आपको कितनी खुशी लग रही है? अभी 120 उम्र, 120 साल। अरे मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है, अभी पूछ रहे हैं? हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के CM बने हुए? मेरे कान से सुन नहीं क्या ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? तो देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि परिवार में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि परिवार का सदस्य अब मध्य प्रदेश के किसी एक इलाके की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अब पूरे मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी कि वो प्रदेश जिसे बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकास की राह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाया था अपने पूरे 17.5 साल के कार्यकाल के दौरान, अब वो राज्य आगे 2 कदम 4 कदम बढ़ेगा
डॉक्टर मोहन यादव के जरिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया है। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें यहां पर मिली। हर किसी ने चौंका भी दिया, समझा भी दिया कि बीजेपी जो दावे करती है उससे आगे भी बढ़ जाती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को यहां पर जो चुना गया है, क्या और खास वजह मानते हैं? एक राजनीति के लिहाज से देखें तो क्या आप युवा चेहरा भी उन्हें मानते हैं? ओबीसी का भी बड़ा चेहरा माना जाता है उन्हें, और शिक्षक मंत्री की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। आपने कहा कि खेल की भूमिका में भी एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं, तो ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें कहा जा सकता है? देखिए, ऑलराउंडर अब सीएम है तो उनकी तमाम जो अच्छाइयां वो तो दिखानी है ही हमें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है आलाकमान का फैसला। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर दांव लगाया है तो सोच समझ कर ही लगाया होगा। मैंने पहले भी बोला, चाहे इसमें जातीय समीकरण हो, चाहे भविष्य के लिए अपनी लीडरशिप तैयार करना हो, या फिर 20 साल से जो इस्टेब्लिश लीडरशिप जो चली आ रही थी, अगर नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो 5 साल तक यही रहेंगे, जो उनकी लोकसभा सीट है उस पर फ्रेश चेहरे को दांव मिल को नए चेहरे को मौका मिलेगा। जो भी सांसद यहाँ से जीत कर गए थे, चाहे फगन सिंह गुलस्ते हो, चाहे राकेश कुमार सिंह हो, राकेश सिंह जी भले ही अपने विधानसभा चुनाव जीत गए हो, उम्मीद लेकिन जिन सांसदों को भेजा गया था सबको ये उम्मीद थी कि अगर जीतते हैं तो उनके इलाके से मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जबलपुर चाहे हो काम एक जो महाकौशल का एक बहुत बड़ा इलाका है, जबलपुर से जीतने के बाद उनको हो सकता है कि जब महाकौशल इलाके से एक जगह मिले एक मंत्रालय में, लेकिन ऐसी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत ही दुष्कर कार्य है। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है उनके इन फैसलों में, लेकिन इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का फायदा पार्टी को होता है, क्योंकि इसका फायदा जरूर मोहन यादव बन रहे हैं, तो पूरे के पूरे चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ तेजस्वी यादव राज कर रहे, जहाँ RJD की काफ़ी तूती बोलती है, अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, तो अगर एक यादव को बीजेपी बना रही है तो इसका पूरा का पूरा संदेश पूरे नॉर्थ हिंदी बेल्ट में जरूर जाता है। इसीलिए राजस्थान में भी आप किसी सरप्राइज का ही इंतजार करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक विष्णुदेव साई ट्राइबल को बना दिया गया है, यहाँ पर एक OBC को बना दिया गया है जिसके साथ एक दलित उप मुख्यमंत्री भी है और एक फॉरवर्ड ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी है, और कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था भी, कोई गेस नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री जो अपनी नई टीम आने वाले दिनों में अगले 5-6 सालों के तैयार करना चाहते हैं, मोहन यादव को उस पर अब खरा उतरना होगा। ये उनकी होगी जो डबल इंजन की सरकार, इसमें मोहन यादव कितनी। अमिताभ जी, जो बड़े वो तमाम दिग्गज नाम लगातार रेस में आगे चल रहे थे, चाहे प्रहलाद पटेल, चाहे खुद शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नाम चल रहे थे, आपको लगता है इनकी भी स्वीकृति रही होगी डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर? क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि मतभेद हो सकता है, पार्टी में मनभेद नहीं होता, पार्टी आलाकमान जो फैसला करती है वो सभी की स्वीकारता लेते हुए करती है। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या कुछ कहता है आपका? देखिए, अब फैसला हो चुका है, आलाकमान का फैसला है, प्रधानमंत्री का फैसला है, जिसको वहाँ जो तीनों जो पर्यवेक्षक गए थे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब पूरी पार्टी को साथ होकर चलना है। प्रधानमंत्री ने तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस कार्यालय जाकर एक ही लाइन कही थी कि हमें इस मोमेंटम को बनाए रखना है, हमारे इस जीत के मोमेंटम को बनाए रखना है। उन्होंने दूसरी बात जो कही थी वो तमाम उन पार्टियों को इशारा था जो कास्ट सेंसस की बात करते थे कि हमारे लिए चार ही जातियाँ हैं, युवा, महिला, दलित और पिछड़ा, किसान। तो मुझे लगता है कि अगर ये PM उनको एक झटका दे चुके हैं, मोमेंटम बनाए रखने की बात कर चुके हैं, जातीय समीकरण बनाकर वहाँ पर एक नेतृत्व दे चुके हैं, वही ट्राइबल लीडरशिप छत्तीसगढ़ में दे चुके हैं, मुझे लगता है पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट में अब पुख्ता करने का काम अब बीजेपी करेगी, और जिसका नेतृत्व तो फ्रंट से ही प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि अब पूरी की पूरी तैयारी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर अमिताभ जी यही था, क्योंकि अब आगे है साल 2024, वो साल, उसके वो महीने, जहां पर जो नतीजे अभी आए सामने,